अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला पुटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज नए दिन के साथ अल्लाह के हुक्म से काम का आगाज़ कर रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ कि या अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल दे। तो चलते मोबाइल के स्क्रीन पर कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर जैसे ही कोई राइड आएगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चले दोस्तों, अलहमदिल्ला से हमारे पास पहली राइड आज की है और मैं पिक करने जा रहा हूँ नीपा चुरोकी से सादी टाउन। और जैसे ही कस्टमर के पिकअप पर पहुँचेंगे तो फिर फौरन ही इनके ड्रॉप ऑफ पर चलेंगे, क्योंकि इनसे बात हो चुकी है और ये बाहर ही खड़े हैं तो इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी। ये सिंदबाद पार्क अगर किसी ने ना देखा हो तो हमारे मोबाइल में देख लें। तो बस नीपा चुरोकी पर उतर रहे, जैसे ही पिक करते फिर ड्रॉप ऑफ पे चलते हैं तो मिलते हैं सादी टाउन में। अल्हम्दुलिल्लाह से आज की पहली सवारी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं सादी टाउन के अंदर। और ये आप देखें तो सादी टाउन का मेन गेट है और मेन गेट के बिल्कुल नज़दीक ही उतर गई है सवारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली सवारी कम्प्लीट, करंट लोकेशन सादी टाउन। तो अब हमें दूसरी सवारी ढूंढनी है, तो अल्लाह करे जल्दी मिल। चले दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास एक और राइड आ चुकी है और सादी टाउन में ही खड़े हैं। अब ये राइड हमारे पास आ चुकी है एक, और इसको लेके चलते हैं मलीर की तरफ, तो मिलते हैं फिर वहाँ पर। तो चले कस्टमर के पिकअप पर, पिकअप से फिर ड्रॉप ऑफ पर। तो चले 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सवारी अपनी उतार दी है जो हमें मिल गई थी मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 2। ये बिल्कुल हमारे इस तरफ है और कस्टमर को हमने उतार दिया और अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला हमें एक और कस्टमर मिल जाएगा। आज की 2 सवारियाँ हो गई हैं कंप्लीट, करंट लोकेशन चेक पोस्ट नंबर 2 मलीर कैंट। जी हाँ, लाड शो बाजी बजे जैसे राइड उतारी है तो ये राइड हमें मिल गई है माशाल्लाह से अच्छी, 800 रुपये की। तो पिक करने के लिए जा रहा हूँ इसको और जा रहे हैं बकाई यूनिवर्सिटी। सवारी के पिकअप पे खड़े हैं, अभी जैसे ही आते हैं तो फिर इनको लेके जाएंगे हम बकाई यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ थोड़ा इंतज़ार करें इनको, क्योंकि रक्षा यहाँ पर काफ़ी देर से मिलता लेकिन अभी जल्दी मिल गया तो इनको थोड़ी सी तैयारी करने में देर लग रही है। जैसे आते फिर चलते हैं बकाई यूनिवर्सिटी। जी दोस्तों, बकाई यूनिवर्सिटी वाली राइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है हम जमाली पुल या सादी टाउन की तरफ जाएंगे। ये हम यूटर्न ले रहे हैं, ये पीछे बकाई यूनिवर्सिटी अगर आपको नज़र आए तो, और ये हाईवे, सामने कराची टूल प्लाजा। और अब हम यहाँ से, ये भी हाईवे, हम जो है यहाँ से यूटर्न लेंगे और यूटर्न लेने के बाद वापसी जमाली पुल की तरफ यानी कि सुराबकोट की तरफ अपना रुख कर लेंगे। तो ये जो है सामने एक गोट है माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। ये कराची द मौसम, हा 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 हा, क्या बात है। तो अब हम यहाँ से यूटर्न लेंगे, ये जो ट्रक यूटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक से आगे निकल गए, क्या बात है। आए हाय मजे। कुछ खाने को दिल कर रहा है लेकिन खा नहीं रहे और नहीं खाएंगे। हम जो है मुझे सामने होटल नज़र आ रहा है ना, चिश्ती फैमिली रेस्टोरेंट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो खंबा है, खंबे के इस तरफ वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमने राइड उतारी और यहाँ से पुल के ऊपर से यूटर्न लेके इस तरफ आ गए। और अब ये वाला रूट जो है ये जा रहा है सुराबकोट की तरफ, तो हम अपने आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन सवारी का चांस बहुत कम है। और ये बसें भी जा रही है, क्योंकि ये रास्ता पूरे पाकिस्तान को लिंक करे, सुराबकोट कराची की से मिला रहा है ये वाला, ये तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी
जिंदगी नहीं, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। आहा, अच्छा ये मैं गाना गाने से एक्टिंग कर रहा था और रो बिल्कुल नहीं रहा था, ऐसा ना हो आप लोग बोले बुढ़ा रोता है तो लाड सुभाष मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ तो दिल दा मामला है, अज नूरी तेरी हो गई इश्क। सवारी छोड़ी थी हमने बकाई यूनिवर्सिटी और वहाँ से खाली आ गए हैं हम गुलजार हिजरी में। गाड़ी में फ्यूल भी अल्हम्दुलिल्लाह से फुल करवा लिया और अब यहाँ से एक और सवारी का इंतज़ार है जो अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। तो जैसे कोई सवारी मिलेगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल तो बैठा हूँ रक्शे में, चाय भी पी ली है माशाल्लाह से, नाश्ता भी कर लिया, बस सवारी का इंतज़ार है। गर्मी अपने ज़ोरों पर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक राइड मुझे मिल गई है 700 रुपये की माशाल्लाह। इसको पहले जाना है बफर जोन, उसके बाद इसको जाना है मोहम्मद अली सोसाइटी शारा फैसल की तरफ। तो पिक करने के लिए मैं पहुंच गया पिकअप पे, बस जैसे कस्टमर आएगा तो लेके चलेंगे। सवारी जो मैं लेकर आया था अबुल हसन अस्फहानी रोड से, वो मैंने उतार दिया उसकी मंजिल मकसूद पे, ये पीछे ऑफिस पे। और अब यहाँ से एक और सवारी का इंतज़ार है। गाड़ी छाँव में लगा ली है, बहुत गर्मी है यार, तो मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ यहाँ पर, आप जब तक वीडियो देख लें थोड़ी सी या चाय भी पी लें। जी हाँ गर्मी है, मैं चाय नहीं पी रहा, मैं कोई बोतल देखता हूँ ठंडी, कोई बोतल मिल जाए यार, बहुत 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 गर्मी, बहुत गर्मी। चलें जी, एक और राइड आ गई हमारे पास छोटी सी और चलते हैं इसको पिक करते हैं। 280 रुपये की राइड मिली थी, गया पिक किया, स्कूल से बच्चा लिया, फिर वापसी उसी जगह पर आ गए जहाँ हम खड़े थे। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, तो 3 किलोमीटर की राइड तकरीबन 280 रुपये में, बहुत अच्छी बल्कि बेहतरीन, ओह गुड हो गया। तो अब हम फिर उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ हम पहले खड़े थे थोड़ी देर, पर फ़र्क ये कि 280 रुपये अल्लाह ताला ने हमें दे दिए। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से भी एक अच्छी सवारी हमें मिलेगी। जी हाँ लाड शो बाजू में। चलिए दोस्तों, नॉर्थ नाजमाबाद में राइड उतारी थी हमने, उसके बाद काफ़ी देर बैठे रहे 2:30 बजे से लेके, फिर हमें दूसरी जब राइड मिली तो उस वक्त तकरीबन 7 बजने वाले, 6:40 पे हमें फिर एक और राइड मिली। छोटी छोटी राइडें 2-4 करने के बाद अभी मैं अपने स्टाफ पर पहुंच चुका हूँ, तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म कर लूँ। आज के दिन में हमने कुल मिला के 4000 रुपये का काम किया, सिर्फ 4000, और जिसके अंदर हमारी तकरीबन 900 रुपये की समझ लगे LPG लग गई, और तकरीबन 450 हमारी 500 फीस लग गई, और खाना भी खाया। तो यूँ समझ लें कि आज के दिन में कुल मिला के हमारी जो बचत हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये की। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम स्लो था, फिर भी जो है वो 2000 रुपये हमें बच गए, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो इसी दुआ के साथ ब्लॉग का इख्तिताम करूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।